गुरुदेव हमें 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य का 16 मिला है ऐसा मानते हैं, और हम मनुष्य इसी जन्म में मोक्ष पाना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि संसार में हमें बार 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 वापस जन्म नहीं लेना पड़े और आत्मा का मोक्ष हो जाए। देखिए आत्मा, ये जीव आत्मा अनेक जन्मों को धारण करती हुई मनुष्य के देह से अनेक नामों के साथ अनेक रिश्तों के साथ इस संसार के आर पार आ रही है जा रही है, बहुत सारे रिश्ते जोड़े और सब रिश्तों के पार होकर इस तरह चले जाते हैं कि जाने के बाद दिखाई नहीं देता कौन कहाँ चला गया, फिर लगता है सपना सा कि कोई था भी या नहीं था। कुछ दिनों तक तो यही लगता रहता है घर वालों को कि गए हैं कहीं बाहर लाएंगे, लेकिन एक इंसान को प्रेम होता है रिश्तों से, बाद में मोह हो जाता है वस्तुओं से, नाम से, स्थान से, गांव से, चीजों से, यहाँ तक के इतना मोह कि वो चीज इधर उधर हो तो आदमी को लगता है जैसे प्राण निकल गए। ये मोह इंसान को दुनिया में बांधे रखता है, और इस मोह को धारण किए किए जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो मन के अंदर जो यादें रहती हैं उन यादों को बीज कहा जाता है, वासना कहा जाता है दर्शन की भाषा में, दर्शन फिलॉसफी उसको वासना कहती है, कि वो वासना के बीज रह जाते हैं, उन्हें संस्कार भी कहा जाता है, वो अंदर रह जाते हैं, वो आगे फिर जन्म देते हैं आपको उसी तरह की चीजों के अनुसार। यहाँ तक होता है कि आदमी अपने देह छोड़ने के बाद अगर वासना मन में रह गई, संस्कार मन में रह गए, इच्छा रह गई, तीव्र इच्छा अपने परिवार की, नहीं मनुष्य बना, जानवर ही बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने, खरगोश बने, नेवला बने, चूहा बने, कुछ भी बनेगा, मेंढक भी बन जाए, अपने घर की नाली में बैठेगा, कहता कलेजे को ठंडक मिल रही है, अपना परिवार देख रहे हैं, आ रहा जा रहा। ये मोह है जो रुलाता है और ये लगातार चक्कर लगवाता है। जिस दिन आपका मोह टूटता है, जिनके बच्चे रुला रुला कर उन्हें मन तोड़ देते हैं और फिर लगता है कि भगवान ही एकमात्र सहारा है और दुनिया में कोई अपना नहीं, तो यहां से व्यक्ति को समझ आने लगती है, मोह टूटता है और दुनिया से ऊपर उठता है, तो इसको कहते हैं अनासक्ति। जैसे अनासक्ति होने लग जाती है और साधना में भी कोई बैठने लग जाए और ध्यान के द्वारा अपने बीजों को अंदर जलाने लग जाए, तो उस समय रास्ता बनता है अध्यात्म में गहराई से चलने का, और ये रास्ता चलते चलते जब और गहरा होता जाता है, आप अनासक्त हो जाएं, संसार से ऊपर उठ जाएं, विदेह अवस्था में आ जाएं, बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। अब रहते तो इसी दुनिया में है, उसी घर परिवार में, लेकिन क्या कहते हैं, हम साधु सन्यासी हो गया, जैसा मिल गया खा लेंगे, जैसा पहनने को दे दिया गया पहन लेंगे, अब न मान से न अपमान से जैसे भी अपने घर में रहेंगे, लेकिन ऐसे देखते हुए कि मेरे बाद क्या होगा उसे आंखों से अभी देख लो। किसी को नहीं टोकेगा आदमी, कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, करो, मैं साक्षी बन गया हूं, देख रहा हूं। तो उस स्थिति में देखते देखते फिर देह का भान भी नहीं, आनंद में शांति में जी रहा है इंसान। तो मुक्त होने के लिए एक अवस्था चाहिए, मोह हट गया, इच्छाएं हट गई, कुछ पाना हट गया, उस स्थिति में चलते चलते ध्यान भक्ति बढ़ रही है, तो मुक्त होने के लिए आखिर में वैसा भाव हो और समाधि भी लगने लग जाए। अगर इस जन्म में यहां तक पहुंचे तो कृष्ण भगवान जैसे कहते हैं अगले जन्म में मैं फिर तुम्हें वहीं से पकड़ूंगा, तो ऐसी जगह जन्म हो जाएगा जहां से फिर भक्ति चलेगी, साधन पूरे मौजूद रहेंगे, फिर आगे प्रगति होगी और फिर मुक्ति का रास्ता खुलेगा। ध्यान, साधना, समाधि, गुरु, प्रेरणा, सब चीजें साथ जुड़ती चली जाएंगी और फिर हम मुक्त होते हैं।
जब मुक्त होते हैं तो समझ लीजिए सदा का आनंद जीवन के साथ जुड़ गया, तो यही मार्ग है। इसलिए इसके लिए जो साधन बताए जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय है, चटक संपत्ति है, अष्टांग योग है, सभी मार्ग फिर अपनाने पड़ते हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग से फिर चलते चले जाओ, मुक्त हो जाओ। मेरा प्रश्न है कि शरीर में जो 7 चक्र है उसको जागृत करने का क्रम क्या है, उसकी विधि क्या है, समय क्या है उसका, और कौन से रोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है? देखिए 7 दिनों में संडे से लेकर सैटरडे तक, रविवार से शनिवार तक 7 दिन है। आपकी जिंदगी उन 7 दिनों में पूरी होती है। 7 रंगों में पूरी दुनिया के सारे रंग आ जाते हैं। अभी जो आप रंग बनते हुए देख रहे हैं ना, 7 रंगों में पूरी दुनिया के रंग, 7 स्वरों में पूरा संगीत, 7 ऋषियों से आपको जानकारी हो जाती है पूरे आकाश के तत्व को जानने के लिए। ये 7 7 जो हैं जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। 7 ऋषि भी हैं, 7 सागर भी हैं, दीप भी हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन महत्वपूर्ण है आपके शरीर में भी 7 चक्र हैं, ऊर्जा के वह केंद्र जो आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को विकास देने के लिए 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों में आज्ञा चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से आप ध्यान में अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद में अगर हम क्रमशः शुरू करते हैं तो मूलाधार चक्र, गणपति भगवान का स्थान, जहां से आपके अंदर नेतृत्व शक्ति जागृत होती है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र, जो आपके लिए सृजन शक्ति को निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद में आप अगर देखें तो इस स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र में जब जाते हैं तो मणिपुर चक्र आपके लिए मणियों का पूर मतलब नगर है। यहाँ से पूर्णता लाने के लिए गुणों की विशेषताएं आपके अंदर जागेंगी, निर्भयता, निश्चिंतता, और साथ साथ आपके अंदर वो विकास आएगा जिसे कहते हैं हिम्मत करना, जोखिम लेना। इसके बाद में आपका अनाहत चक्र है। ये स्थान क्योंकि सभी देवी देवताओं के स्थान है, ब्रह्म का स्थान, विष्णु का स्थान, शिव का स्थान, तीनों शक्तियों के स्थान है। हृदय केंद्र विष्णु भगवान का स्थान इस रूप में माना जाता है कि ये प्रेम का स्थान है, फैलाव का स्थान है, विस्तार और संबंधों का स्थान है। तो आप रिश्तों में विशेषता लाएंगे। इसके बाद विशुद्धि चक्र है, ये सरस्वती का स्थान है, या फिर ऐसा कहें कि 16 पंखड़ियां यहाँ खिल जाती हैं, हृदय में 12 खिल जाती हैं। तो पंखड़ियों का भी अपना एक महत्व है। उसी तरह से जब आप आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं तो यहाँ सारी पंखड़ियां हट गई, सिर्फ 2 ही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, एक तरफ सूरज एक तरफ चंद्र। तो यहाँ कहा गया कि आपकी पर्सनैलिटी में 2 चीजें हैं, एक तरफ चंद्रमा जैसी कोमलता जहां इमोशन पूरी तरह काम करेगी, दूसरी तरफ तर्क वितर्क। देखिए मजे की बात है, सूरज जो चीज जैसी है वैसी दिखाता है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क करने वाला, और चंद्रमा जो है जो चीज जैसी है वैसी तो दिखाई दे रही है लेकिन अपनी तरफ से रीमिक्स करता है ना, जैसे आजकल म्यूजिक बनता है, रीमिक्स म्यूजिक जो बनता है, ऐसे ही चंद्रमा अपनी चांदनी से चीजों को और सुंदर बनाता है। लेकिन उस सुंदर बनाने के चक्कर में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहा गया है कि दोनों का मेल चाहिए, तो 2 पंखड़ियां जुड़ी हुई हैं, इधर इधर ये 2 दल वाला कमलियां है, और ये शिव का स्थान है। यहाँ कहा गया है कि 2 आंखें तो हैं, तीसरी खोलो। इसलिए जब आप दुर्गा माता को महसूस करें तो वहां 3 पंखड़ियां दिखाई देती हैं, इधर भी 1 पंखड़ी, 2 कमल की पंखड़ी, 1 ऊपर 3rd eye। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो वो और अद्भुत होता है। इसके बाद आखिरी वाला चक्र है जिसको आप सहस्रार चक्र कहते हैं, ये 1000 कमलों वाला, पंखड़ियों वाला चक्र है।
जिसको चक्र नहीं कहा जाता बल्कि मंजिल कहा जाता है। यहाँ पर शिव विराजमान है पार्वती के साथ, और रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है सीढ़ी, इससे ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। तो ये ध्यान रखिए कि सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए देह, दैहिक रोग, मानसिक और आध्यात्मिक, भौतिक अधिभौतिक सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस मार्ग में आना पड़ता है, और शक्तियां जागृत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको अभी एमए क्लास का सवाल कर दिया हो, और अभी आपको जो है वो नर्सरी से केजी और फर्स्ट में, कुछ लोग सेकंड तक पहुंच गए हैं, तो यहीं तक आप अभी आए हैं। लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा सा परिचय आपको दे दिया। आप ये ध्यान की विधियाँ जो आपको कराई गई हैं इनका प्रयोग करें, और जो वरदान योग ध्यान कराया गया उससे करते करते आपको बहुत लाभ होगा, और अभी जो ये ध्यान क्रिया आप कर रहे थे इसके बाद ये अपनी विधि और चमत्कार करेगी। इनको आप करिए, फिर उसके बाद में चक्रों का ध्यान, ऊर्जा ध्यान, शक्ति ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, अभी जैसे बद्रीनाथ में हम लोग करेंगे वहाँ गोविंद ध्यान होगा, तो वहाँ पर श्री ध्यान भी साथ में चलेगा। श्री ध्यान में लक्ष्मी समृद्धि पाने के लिए, और जो गोविंद ध्यान है वो आपके अंदर भक्ति आनंद की प्राप्ति के लिए। तो दोनों अपने आपे में बहुत उत्कृष्ट हैं और सभी को आप अपना सकते हैं, लेकिन बेस के लिए कुछ चीज़ें कॉमन चलती हैं, ये ध्यान रख लेना। बेस वही, जैसे आप लोग जो बारह खड़ी से लेके जैसे आप ए बी सी डी ए टू जेड आप अक्षर सीखते हैं ना, तो वही बेस होता है, सारे शब्द उन्हीं से जुड़ते हैं। तो इसी तरह बेस वाली चीज़ें वही रहेंगी, उसके बाद अगली अगली क्रियाएं चमत्कार करती चली जाएंगी, उससे अगली क्रियाएं और चमत्कार करेंगी, उसी में फिर अगली और चीज़ें जुड़ेंगी, वो और चमत्कार करेंगे। लेकिन जब आपसे चक्रों का ध्यान कराया जाएगा तो फिर अलग रूप आ जाएगा। पहले एक सामान्य चलेगा, फिर एक एक चक्र के जागरण की बात चलेगी, और वो जब चलेगी तो और हैरानी की बात है कि एक चक्र के जागरण के समय में जो आपका मूड चेंज होगा, अजीब अजीब हरकतें करोगे, अजीब अजीब अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी, पिछली यादें आनी शुरू हो जाएंगी, पिछला कुछ ऐसा याद आने लग जाएगा कि आप कहेंगे मैं इसका सामना नहीं करना चाहता, लेकिन आपको उसके पार निकलना ही पड़ेगा। जब उसके पार निकलेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे अब जो जिनसे डर लगता था अब डर नहीं लगता, अब मैं हकीकत का सामना करने के लिए तैयार, एकदम अलग ही रूप हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं एक दो शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए जितना बताया ये, हालांकि थोड़ा डिटेल में बताया लेकिन अभी इतने में बात नहीं बनेगी। जब आप ध्यान करते करते आगे पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा, सवाल तो किया था, चीज़ें भी बताई गई थी, लेकिन ये कितना विस्तार वाली चीज़ है। ये समझ लीजिए कि पूरा पूरा, जैसे कोई पूछ ले जिंदगी के विषय में पूछ ले, मोक्ष के विषय में पूछ ले, ईश्वर के संबंध में पूछ ले, तो एक बात कहने का मतलब है विराट को एक छोटे से बिंदु में बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसके तरफ हम लोग बोलकर सिर्फ इशारे करते हैं। हाँ, अगला सवाल कीजिए। महाराज जी, आपने प्रवचनों में बताया था पति पत्नी में चकवार चकी की तरह प्यार होना चाहिए। अब इतना ज्यादा प्यार होने पर पति पत्नी आपस में जैसे हो जाता है चक चक करते हैं एक ही मृत्यु होने पर वो दूसरे का बाद का समय कैसे बिताए, बाद का समय ताकि उसको डिप्रेशन ना हो। ऐसा मैंने किसी को देखा है कि उसको ऐसा हो चुका है। देखिए, यहां जब मिले थे तो जब शादी हुई कहां छिपे बैठे थे दोनों, कैसे मिले, यहीं से रिश्ते मिलते हैं, यहीं बिछड़ते हैं। और दुनिया में ये बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेम वाले लोग बहुत कम मिल पाते हैं, समाज के बंधनों से जो है रिश्ते बंद तो जाते हैं लेकिन असली में एक दूसरे को समझने वाले लोग नहीं होते। एक अनुबंध की तरह, जैसे कोई एक एग्रीमेंट हो गया हो, इस तरह से लोग जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन समझ पाना
एक दूसरे के हृदय तक पहुंच पाना, भावनाओं तक पहुंच पाना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बहुत अच्छे संबंध बने या नहीं बने हुए, तब भी दोनों एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, लगाव भी होता है और ध्यान आता है, तब जब एक बिछड़ जाता है तब ये पता लगता है कि वो मेरे लिए क्या था, वो क्या चीज थी, कितना मेरा ध्यान रखता था। उसके बाद व्यक्ति उसके लिए रोता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अस्थियां संचय करने के बाद अपने सिराने रखकर सो गया आदमी, और वो कहता है मैं नहीं दूंगा। डर लगता है ना आदमी को, लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने कहा मैं इनको नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। तो ऐसे में मोह होता है, लेकिन जब आप फिर ये कहेंगे मैं तुम्हें सौंप रहा हूं अपने परमात्मा को, उनकी कृपा छाया में तुम्हें भेज रहा हूं, दुख के संसार से, पीड़ाओं के संसार से तुम्हें वहां भेज रहा हूं जहां सबसे सुरक्षित स्थान है, उस आनंद लोक में तुम्हें मैं सौंप रहा हूं और तुम वहां सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे फर्ज को पूरा करूंगा यहां, और पूरा करूंगा हिम्मत के साथ, और फिर तुम्हारे पास आऊंगा, फिर हम किस रूप में दोनों आकर इस धरती धाम पर मिलेंगे वो अलग रूप होगा, लेकिन अभी मैं परमात्मा की कृपा छाया में तुम्हें सौंपता हूं, तुम वहां आनंदित हो और मैं तुम्हारी तरफ मुस्कान भेजूंगा, प्रसन्नता भेजूंगा, तुम्हारी आत्मा को वहां कष्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि यहां एक बात ध्यान देना, इजिप्ट में एक कथा चलती है, कथा चलती है कि एक मां का बेटा बिछड़ गया, नहीं रहा, जवान बेटा था, वही उसका सब कुछ था, और जब वो चला गया तो मां उसे रोज पुकारती है, तो कहां है बेटा। तो एक दिन सपने में दिखाई दिया, एक गुफा में, अंधेरी गुफा में वो चल रहा है हाथ में दिया लेकर, और वो चिल्ला रहा, मां इस अंधेरे से पार होना चाहता हूं, इस गुफा से बाहर जाना चाहता हूं। तो मां आवाज देती, बेटा दिए को, मोमबत्ती को हाथ में संभाले रखना, बुझने मत देना। तो वो फिर कहता, मां तेज आंधियां आ रही हैं, हवाएं आ रही हैं, फिर कुछ बूंदे गिरती हैं, क्योंकि ये कृपाएं भी होती हैं, कभी कभी परीक्षाएं भी होती हैं। अभी जैसे आप यहां बैठे थे तो उसने कुछ फूल बरसाए, मजाक भी किया आपके साथ, भागते हो या नहीं, आनंद भी दिया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, बादलों के पीछे से आता हो प्रकाश, ये एक अलग रूप है इस समय। पहाड़ को आप देखिए ध्यान से, पहाड़ को देखेंगे पीछे बादल देखेंगे, बादलों के पीछे से आती हुई रोशनी को आप ध्यान से देखिए, और वो दूर तक बिखरी हुई है, पूरे आकाश तक बिखरी हुई है। तो ये वो खेल खेलता है, कभी कभी परीक्षा में भी ऐसा खेल खेलता है। तो वहां तेज आंधियां दिखाई महसूस हुई, तो ये बच्चा कहता है मां मेरा दिया ना बुझ जाए। तो आंधियों से तो नहीं बुझा, अचानक दो बूंदी गिरी ऊपर से, दिया बुझ गया। बच्चा चीखा जोर से, मां मेरा दिया बुझ गया। तो मां भी चीखती है, कौन निर्दयी है जिसने मेरे बच्चे का दिया बुझा दिया, अब ये कैसे पार होगा। तो आवाज आती है, मां मेरा दिया तूने बुझाया। तो इतना रोई है कि तेरे आंसू आकर मेरे दिए को बुझा गए, तूने मुझे यहां भी अंधेरे में रख दिया। आप सोच सकते हैं कि वो जो आंसू होते हैं वो वहां तक असर करते हैं। तो आप यहां से मुस्कानें भेज रहे हैं और वहां वो मुस्कानें पहुंच रही हैं, और लगता है यहां हिम्मत से चलता हुआ एक आदमी फर्ज पूरे कर रहा है। इस रूप में सबसे कोमल होती महिलाएं, लेकिन जिसकी छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, चले गए पति, अब वो वायदा करती है, मैं वायदा करती हूं तेरे फर्ज निभाऊंगी, हिम्मत के साथ निभाऊंगी। इतनी कठोर, इतनी मजबूत बनकर अपने बच्चों को पालती है, अपने आंसू छिपाकर शेरनी बनकर दुनिया का सामना करती है, और कहती है उसके फोटो के सामने जाकर, तेरे बच्चों को पाल रही हूं, तेरे से मिलने के बाद और तेरे से बिछड़ने के बाद भी मैं उसी तरह मजबूत हूं, मुझे भी जीना है, मैं भी
कभी कभी कमजोर पड़ते हो, कभी कभी मन करता है कि मुझे क्या मिल रहा है, इस दुनिया से दुखी होकर वापिस आना चाहते हो, लेकिन नहीं, फर्ज पूरे करूंगे। तेरे फर्ज पूरे करके जिस दिन बेटे बेटी की शादी कर दे तो उस दिन कलेजे पर ठंडक मिलती है, तेरे फर्ज पूरे कर दे, अब मेरा कुछ भी हो कैसे भी हो। तो आप सोचिए, ये जो भावना होती है वो आदमी को मजबूत करती है। महिलाओं में किसी किसी में मैंने बहुत मजबूती देखी है, अधिकांश रूप से मैं कहूँ तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं, वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाते हैं, पुरुष लोग नहीं कर पाते। हालांकि जितनी दुर्गति महिलाओं की होती है, आदमी के जाने के बाद पति न रहे, बेटे बहुएं क्या इज्जत करते हैं, कोई ध्यान नहीं करता, उसे लगता है कि जैसे सब कुछ चला गया, जब तक वो था तो बात और थी, अब कुछ और बात हो गई, एकदम दुनिया बदल जाती है। लेकिन उसके बाद भी शेरनी बनकर सामना करती है और अपनी हर चीज को, पूरी दुनिया में आप देखें पंछी भी जो है ना, वो जो घोंसला बनाती है मादा बनाती है, शेरनी को आप देखें शिकार भी लेकर वही आती है, अपने बच्चों को पालती है, और इतनी सतर्क और गुस्से में रहती है उस समय, बच्चों के प्रति ममता प्यार से भरी हुई, लेकिन हर समय अपनी नींद का भी ध्यान नहीं, उसके बच्चों के पास से कोई गुजर जाए तो उछल कर जाती है, काट खाएगी। उस गौ को भी देख लो आप, जिसका छोटा सा बच्चा भी है, रोज घास देने वाला भी जिसको देखते हो आवाज देती थी। मेरे गौशाला है ना आश्रम में, तो मैं जैसे वहां जाता हूं तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक मोर है, वो भाग के आता उस समय, गौ में बोलने लग जाते हैं। लेकिन जिस गौ का बछड़ा अभी अभी पैदा हुआ, वो तो देखते ही ऐसे सींग दिखाती है कि ठीक है मुझे तुम्हारे से घास चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे के पास मत आ जाना, छूने नहीं दूंगी, इतनी सावधान होती है। इस तरह से पालती है बच्चों को, और जब वो बच्चे छोड़ के चले जाएं, कहती है मेरा फर्ज पूरा हो गया, ये नहीं जानते प्यार क्या होता है, एक दिन इनके बच्चे जब बड़े होंगे तब इनको समझ में आएगा माँ क्या थी। तो इसलिए ये बात जो कही जा रही है, इस सुनने में उस समय लग रहा था आपको कि क्या सवाल है, लेकिन मैं उनके सवाल की गहराई में, उनकी भावना की गहराई में जाकर उत्तर दे रहा हूँ कि उस समय भगवान के सुरक्षित कृपा भरे हाथों में छोड़ें और फर्ज को पूरा करें बहादुरी के साथ। ध्यान साधना जप तप के मार्ग पर चलते हुए और साथ साथ तीर्थ यात्रा करने से हमें किस तरह के मोक्ष की प्राप्ति होती है? देखिए, जप तप ध्यान तीर्थ व्रत उपवास ये सभी जो है आपको एक लेवल तक लेकर आते हैं, आप संसार से ऊपर उठ सकें, अपने आनंद में जीना शुरू कर दें, संसार की निस्सारता को समझने लग जाएं, और संसार में रहें भी तो इस तरह से जहां रिश्ते निभाने तो बहुत प्यार से निभाने, फर्ज निभाने हैं तो हिम्मत से निभाने हैं, कष्टों का सामना करना है तो पत्थर बनकर करना है, दूसरों की भावनाओं को समझना है तो एकदम फूल से भी ज्यादा कोमल होकर समझना है। ये सब व्यवहार आप दुनिया में निभाएंगे, लेकिन इस व्यवहार को निभाते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि व्यवहार भी निभे लेकिन आप ऊपर उठते रहें, कमलवत जैसे, अपने प्रेम में, अपनी खुशी में, अपने आनंद में, आप अपने स्वभाव में जब उतरते हैं तो वक्त का पता नहीं लगता। दो सहेलियां आपस में बात करते करते रात के 3 बज गए, घर के लोगों ने आवाज सुनी, खुसर पुसर चल रही इनकी, तो फिर वो डांटते हैं सो जाओ, तब उन्हें पता लगता रात बीत गई है, बात करते करते वक्त का पता नहीं लगा। तो ये ध्यान रखिए, आनंद के क्षण कितने भी लंबे हों वो छोटे ही होते हैं, और दुख के क्षण कितने भी छोटे हों वो लंबे हो जाते हैं, इसलिए वो आनंद पाने का, वो मोक्ष पाने का आपको पूरा पूरा अवसर मिलता है जब आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस विधि से अपने आप को मुक्त होने के मार्ग पर लगातार चलाना चाहिए। मेरा प्रश्न है, जैसे सूर्य चंद्र आकाश समुद्र सब रिलीजन के लिए एक है, वैसे भगवान एक ही रूप धारण क्यों नहीं किया? व्हाई इज गॉड लेफ्ट टू अवर इमेजिनेशन?
देखिए आपके सामने कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, और राधा कृष्ण वाला रूप भी है, लक्ष्मी नारायण वाला रूप भी है, और गौरी शंकर वाला रूप भी है, दुर्गा के भी एक रूप नहीं, नौ रूप आपके सामने हैं, बहुत तरह के रूप हैं। उसके बाद भी आप चुनते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। किसी को माँ कहने में अच्छा लगता है, किसी को राम कहने में आराम लगता है, किसी को कृष्ण कहकर उसके आकर्षण में बंधने की इच्छा होती है, और कोई नारायण कहकर अपने आप को उसका दास बनाना चाहता है, कोई शिव शिव कहते कहते भोले भंडारी से यही कहता है भोले भाव में कृपा कर दो। जिस भी रूप में आप पुकारते हैं, एक ही सत्ता है, सुनने वाला एक ही है, झोली भरने वाला एक है, कृपा करने वाला एक है, नाम उसके अलग अलग हैं। अब अगर हम ये कहें कि उसे अपना एक ही रूप प्रकट करना चाहिए था, अलग अलग रूप नहीं, तो एक रूप प्रकट करने के लिए परमात्मा जरूर चाहते हैं कि सबको मैं अपना एक रूप दिखाऊं। वो रूप कब दिखाते हैं? जब आप अपने ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो उस समय आपको उसका ज्योतिर्मय रूप दिखाई देता है। बाकी जो अवतार हुए हैं संसार में, वो अवतार हुए हैं अलग अलग समय में, भक्तों के कष्ट हरण करने के लिए, या फिर किस युग में किस तरह चलना। जैसे कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में उन्होंने अवतार लिया, लेकिन बताया त्रेता में कैसे चलना, अच्छे लोगों के साथ कैसे व्यवहार, धूर्तों के साथ कैसे व्यवहार, और जो सुदामा जैसा गरीब बिल्कुल दरिद्र उसके साथ कैसा व्यवहार, और फिर कहीं इतने प्रेमी लोग हैं गोप गवाले उनके साथ कैसा व्यवहार। तो उन्होंने यह दर्शाया कि भले लोग ना धोखा देते ना धोखे में आते। जैसे देवताओं का स्वभाव है, देवता किसी से कुछ लेते नहीं, अगर लेते भी हैं तो बदले में अनेक गुना बढ़ाकर वापिस करते हैं। तो इस तरह से अच्छे लोग किसी से कुछ भी नहीं चाहते, अगर लेते भी हैं तो बदले में बहुत कुछ उपकार करना चाहते हैं। तो अलग अलग रूप अवतारों के हुए, और वो अवतारों के रूप जो हुए युग के अनुसार हुए, जो आपको शिक्षा देते हैं, शांति देते हैं। इसलिए उनमें न पढ़कर आप भगवान के बहुत नामों में न पढ़कर एक नाम का सहारा ले लीजिए। समुद्र के किनारे, झील के किनारे, नदी के किनारे बहुत सारी नौकाएं लगी हुई हैं, एक को पकड़ लीजिए, उसके सहारे चलिए और आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर चार नौकाओं में पांव रखना शुरू करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। और ध्यान रखिए, दिया सोने का है, चांदी का है, मिट्टी का है, आटे का है, ये बाहर चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ज्योत एक ही है, बस उस ज्योत को पकड़ना है आपने। ये नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मंदिर छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्योत सब में एक ही जल रही है, उस ज्योत को पकड़ना है। किसी के इष्ट शिव, किसी के इष्ट शक्ति, शिव शक्ति अलग नहीं, फिर किसको इष्ट माना जाए? देखिए, धार्मिक क्षेत्र में एक बड़ी भारी गलती चलती है कि लोग जो है वो दुर्गा माता की कहीं महिमा सुनेंगे, जगराता सुनेंगे, तो उन्हें लगेगा बस दुर्गा माता ही सबसे बड़ी है। और जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान की कथा सुन ली, उसके बाद लगेगा कृष्ण बहुत अच्छे हैं, संपूर्ण हैं, उनको पकड़ लिया जाए। फिर किसी जगह राम जी की कथा सुन ली तो लगेगा राम जी जरा आसान है, उनको पकड़ लिया जाए। किसी ने हनुमान जी की कथा शुरू कर दी तो लगा राम जी के काम भी हनुमान जी ने ही बनाए थे, इसलिए हनुमान जी भी ठीक हैं। तो किसी ने फिर शिव जी की महिमा सुनी तो लगा शिव जी तो शुरू से ही हैं और हमेशा रहते हैं और इतने भोले भंडारी हैं, उनके पास गरीब अमीर छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, वहां तो अगर पापी भी आ जाए तो उनका भी भला कर देते हैं, रावण को सोने की लंका दे दी थी, तो इसलिए शिव जी ठीक हैं। तो आखिर में क्या करेगा आदमी? उस सब की तस्वीर रखेगा घर में, सबको हाथ जोड़ेगा, भगवान जी दया रखना, कृपा रखना, और वो निर्णय ही नहीं कर पाता पूरी जिंदगी कि मैं किसको मानता हूं। एक पर टिक जाओ, प्रणाम सबको कर लो, एक को पुकारिए, एक को पुकारते पुकारते आप
प्राप्त कर लोगे, बिखरोगे बहुत सारे रूपों में तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए एक जगह टिकना पड़ेगा, एक जगह वफादारी रखनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिए, भगवान कौन सा पावरफुल है इस चक्कर में मत पड़ जाना। भगवान का नाम ही शक्ति है, क्योंकि भगवान व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और उस शक्ति के सहारे जो जुड़ गया उसका कल्याण हो गया। गुरुदेव, आपने पूर्व के ध्यान साधना शिविर में चक्रों को की ओर ध्यान करने के कुछ विधियां बताई थी, हम उन विधियों का लगातार उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी तो इतना ही करना, जितना मैं बताऊं उतना करिए, उसके बाद फिर अगली विधि पर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको अच्छा लगेगा कुछ चीज़ों में, तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आप, लेकिन एक जगह जब तक आप पकोगे नहीं तब तक आगे फायदा नहीं होगा। इसलिए एक जगह पकना बहुत जरूरी है। हाँ तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न। गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कंचन सिन्हा दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से कंचन जी। हाँ बताइए। पहले मैं नासिक में थी, लेकिन एक साल हुआ मैं यहाँ शिफ्ट हो गई दिल्ली। दिल्ली आ गए, अब मनाली आ गए, आपके चरणों में आ गए। बताइए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है गुरुदेव। मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। और मनुष्य के जीवन में जो दुख है तो उसके लिए पिछला किया हुआ कर्म, भाग्य और इस जन्म के कुंडली के आधार पे ग्रह नक्षत्र कितनी भागीदार है? बैठ जाइए, ये भी 3-in-1 क्वेश्चन है। ध्यान में बैठते हैं रोना आता है। देखिए जिंदगी की यात्रा रोने से शुरू होती है पर रोने पर खत्म नहीं होनी चाहिए। ध्यान में बैठे बैठे अगर रोना आता है तो ये ध्यान रखिए, अंदर का सब आपके जो निकल रहा है उसे निकलने दीजिए, घबराओ नहीं। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। कबीर ने ऐसे कहा कि अगर हंसने से मिलता होता, मीरा ने भी ऐसे कहा कि अगर कोई हंस करके ही मिलता होता तो सारी दुनिया पा लेती, उसके विरह में रोना पड़ेगा, उसके लिए पुकारना पड़ेगा। स्वामी रामतीर्थ थे, वो तो रात में सोते सोते भी उनका तकिया भीग जाता था भगवान को याद करते हुए। उन्हें लगता था कि मैं दूर क्यों हूँ, इतने सब पहुँच गए भगवान तक, मैं कब पहुँचूँगा। तो ये एक वेग अंदर आए अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना चित्त की अवस्था थोड़े समय के बाद बदल जाएगी, थोड़े समय के बाद वो रोना बंद हो जाएगा। कुछ ये भी है कि ये दुनिया रुलाने में लगी रहती है। वैसे तो हर एक के पास, मैं कहा करता हूँ ना कि सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं। किसी के पास धन है लेकिन धन का प्रयोग करने वाले नहीं। किसी के पास अन्न बहुत है, खाने वाले नहीं। किसी के पास खाने वाले बैठे हैं, खाना नहीं है। कुछ न कुछ कमी जिंदगी में रहती है, और जहाँ कमी रहती है अपना अभाव रुलाता है, कुछ को दूसरे का प्रभाव रुलाता है। दूसरा क्यों आगे बढ़ गया, मैं क्यों पीछे रह गया। तो अगर रोना आता रो, लेकिन ध्यान रखिए परमात्मा प्रेम है, आनंद है, शांति है, चैन है। आप वहाँ तक आनंद पूर्वक पहुँचिए और बढ़ो आगे, लगातार कोशिश करो, गुड साइन है, अच्छा संकेत है। मैं कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जहाँ की आज दुनिया में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। मेरे घर में ही रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जिनको भूत प्रेतों की वजह से ऐसा उन्हें लगता है कि मुझे जकड़ा हुआ है। तो अगर भूत प्रेत हैं तो उनसे दूर निकलने का मार्ग क्या है? वैसे तो जिसको अपने भगवान के नाम का सहारा जिसने ले लिया, उससे दुनिया की सर्वोच्च सत्ता से संबंध जुड़ गया, तो उसका सहारा लेने के बाद किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं। अभी एक प्रश्न
जो किया गया था, जिसको मैंने छोड़ दिया, कि कुंडलिनी कुंडली बनाते हैं ना, जन्म पत्री बनाते हैं, ग्रह नक्षत्र वगैरह देखते हैं, उसका हमारी जिंदगी पे कितना असर पड़ता है। और इसी तरह से इन्होंने कहा भूत प्रेत वगैरह होते हैं नहीं होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद अंधेरा होगा, फिर आप अकेले भ्रमण करके दिखाना। देखिए बहुत लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर बैठे हुए हैं, और वो डर आपको ये दिखाते रहते हैं इधर पेड़ है, पीपल का है, बरगद का है, गुलर का है, और कुछ शमी वृक्ष होता है, तो लगता है कि भूत उधर ही बैठते हैं, आराम करते हैं। बच्चों के मन में शुरुआत से डर बैठा दिए जाते हैं। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल कहीं पर भी कोई ऐसी चीज तो होती नहीं, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। और आजकल तंत्र मंत्र करने वाले लोग इतने हो गए हैं, सारा दिन तो टीवी पर वही बैठे हुए हैं, पैसा भी बहुत देते हैं, और उन लोगों ने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जहाँ काले धागे बनते हैं, ये सब बनते हैं। इस चक्कर में पड़कर कितने लोग अपना काम खराब कर लेते हैं। तंत्र मंत्र वाले, बबूत देने वाले, इन लोगों ने लोगों को इतना कमजोर कर दिया। रोज तो आपको एक फ्रेम में ढाल दिया जाता है, आज इस दिशा में नहीं जाना, आज समय खराब है, आज ये होने वाला, आज वो होने वाला है, इस राशि के साथ आज ये घटेगा। तो आदमी के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाती है, एक डर बैठ जाता है। फिर हम समान चीजों को आकर्षित करते हैं, हमारे जो एक मैग्नेटिक फोर्स हमारे अंदर जो काम करती है, एक फील्ड हमारे अंदर काम करता है, वो फिर उसी तरह की चीजें खींचने लग जाता है। अगर आपके मन में एक फोबिया हो गया, मैं साइकोलॉजी की भाषा में बोल रहा हूँ, एक फोबिया हो गया, डर बैठ गया, तो आप ध्यान रखना कि आपको हल्की सी हवा से कोई पेड़ हिलेगा तो लगेगा भूत ने हिला दिया। और जब आपका मन मजबूत हो जाता है, देखिए एक किसी मंत्र का सहारा लो, मंत्र से मतलब है भगवान के नाम का सहारा लो, जो भी आप जपते हैं उसका सहारा लो, और ये कहो कि परमात्मा तेरे नाम से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं है, तू ही बड़ा सर्वोपरि, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। इस सहारे से लेकर जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कोई भी डर डर नहीं रहेगा, हर चीज आपकी बाहर भागती हुई नजर आएगी। और अगर आप डरेंगे, हम लोग छोटे थे, हमें हमारे माता पिता ने सिखाया कि ये मंत्र जपते हुए जाना, कोई भी चीज तुम्हारे सामने नहीं आएगी। हम लोगों को कहा जाता था शमशान घाट के पास से गुजरना और कहना कोई भूत प्रेत हो आए सामने, और मंत्र बोलना, तो हम लोग खड़े होते थे, डरते नहीं थे, तो कभी वो चीज नहीं आई सामने, डरे ही नहीं। जो कमजोर मन वाले लोग होते हैं वहां ये समस्या आती है। दूसरी बात, एक और ध्यान रखना कि ज्योतिष शास्त्र हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और उसके जानकार लोग बहुत कम हैं। इसके नाम पर ठगने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बस वही पंक्ति याद करो कि मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो जिनके हाथ नहीं है, उनके पास लकीरें नहीं है, फिर उनका भाग्य कहाँ है। तो दो दो हाथ अपने कर्म क्षेत्र में दिखाओ, परमात्मा के नाम का भरोसा रखो और उसी श्रद्धा से चलो। हमारे हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं को बहुत महत्व दिया जाता है, और इतना प्रेम देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक देवता को विदा करने के लिए जाते हैं साज के साथ। पूरा स्थान देवस्थान माना जाता है, ये देवभूमि मानी जाती है। लेकिन इस हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र के नाम पर डराने वाले लोग भी बहुत हैं, जिसके कारण बेचारे गरीब गरीब ही पड़े हुए हैं। अगर वो भगवान के नाम का सहारा लेकर श्रद्धा से काम करें, अपने देवी देवताओं पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तो यह ध्यान रखिए कृपा होने में देर नहीं लगेगी। अंधविश्वास व्यक्ति को खराब करता है। और जो लोग धर्म के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर लूट रहे हैं, उन लोगों ने हमारी स्थितियां बहुत खराब की। हम लोग विदेशों में जाते हैं ना, तो जब मैं पहली बार गया तो वहां मुझे कुछ लोगों ने कहा, आपने भी गौशाला, आपने भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खोल रखी होंगी,
तो बताइए कहाँ दान देना है, कहाँ क्या करना है। मैंने कहा आपने हिंदुस्तान को ये समझा है कि मंगतों का देश है, मांगने वालों का देश। मैंने कहा ये कभी मत समझना, हिंदुस्तान किसी से मांगता नहीं, हिंदुस्तान अपने आप में इतना मजबूत है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा यहाँ अब तक जो तुम लोगों के पास आए वो मांगते आए रसीदों के लेकर, तुम्हें कुछ चाहिए हमसे लो, हम यहाँ मांगने नहीं आए। वो बहुत हैरानी से देखने लगे। तो मैंने कहा हम आपको वो चीज़ देने आया हैं जिसके आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आपका चैन खो गया, शांति खो गई, नींद खो गई, आपकी खुशी आपसे दूर हो गई, आपके रिश्तों की पवित्रता खो गई है, उसे देने के लिए हम आए। उसके बाद धीरे धीरे समझे तो इतने समझे कि जहाँ स्टेज लगती थी वो पूरी टेप रिकॉर्ड से भरती थी। उन दिनों छोटे छोटे जो है टेप रिकॉर्ड से भर देते थे पूरा, क्योंकि अपने अपने ड्राइवर सुबह सुबह भेजते थे वो लोग, सेट लोग। तो बाकी लोग जो है वो भीड़ आके बैठती थी। इतना इतना प्रेम उन लोगों ने दिया। अब उसके बाद में 12 साल बाद वहाँ गया तो इतने प्रेम से वो लोग भी, पुराने लोग आकर मिले। उन्होंने क्यों याद रखा? क्योंकि किसी से मांगा नहीं। जब हम मांगने लग जाते हैं, जब अपना रूप छोटा कर लेते हैं, तो उसके बाद में स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। इतना प्रेम, होटल का मालिक अपने यहाँ लेकर गया, उसने सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उसके बाद में लंच रखा, अपने बड़े से बड़े रिश्तेदार और सम्मानित व्यक्ति को भी उस तरह से उन्होंने कभी नहीं बैठाया होगा। लेकिन और लोग रोज आते जाते हैं, रसीद बुकें लेकर के खड़े हैं, कोई किसी नाम पर मांग रहा, कोई किसी नाम पर मांग रहा। इससे हम अपने देश को छोटा करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ लोगों को छोटा कर दिया, लोगों के विश्वास खत्म कर दिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सच्ची सेवा करें जरूर, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं। और आंखें खोल के चलो, ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ो, परमात्मा के नाम का सहारा लो। देखिए आपको भरोसा हो तो जैसे कर्मा बाई ने, सहजो बाई ने, दया बाई ने, सावंता माली ने, सहना नाई ने, गोरा कुम्हार ने, सदना कसाई ने, ये साधारण लोग थे, परमात्मा को नाम जपते जपते पाली। वो विश्वास जगाइए, बात बनेगी। लगन को लगाइए, बात बनेगी। लेकिन डरों को निकालिए। धर्म डराने की चीज़ नहीं है, भगवान का नाम डर खत्म करने की चीज़ है। लोगों ने इसी को डर का हिसाब किताब बना दी। इससे बाहर निकलें। ये बात इसलिए मैंने जरा विशाल रूप से, विस्तार से कही, क्योंकि आज इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप साइंस को पढ़ते हैं, उसके बाद भी आप लोग डरते हैं। साइंस को जानने वाले लोग होने के बाद भी हम टेक्नीशियन तो हो गए, तकनीकी ज्ञान हमें हो गया, लेकिन विज्ञान हमारे मस्तिष्क में उतरा नहीं। जिस दिन उतर जाएगा उस दिन हम धोखे में नहीं रहेंगे। छींक दिया किसी ने, काम बिगड़ जाएगा, टोक दिया, काम बिगड़ गया। इस तरह के विश्वास अगर आपने बना लिए तो ध्यान रखना बिगड़ेगा काम। अगर विश्वास बना लिए, बिल्ली बाहर सामने से निकल जाए, काम बिगड़ जाए। बिल्ली कुछ नहीं किसी का बिगाड़ती। मैं लोगों को अपने विद्यार्थी काल में भी दिखाया करता था, जिसको सबसे ज्यादा मनुष्य कहते थे, मैं कहता था कि सबसे पहले उसकी शक्ल में देखूंगा और मेरे काम बिगड़े बताओ कोई कि बिगड़ जाएंगे। तो ये सब करके दिखाया। वही चीज आपसे कहता हूं, मनुष्यत इंसान के मन में रहती है। अगर आपके मन में बैठ गई तो किसी को भी मनुष्य मान लिया तो आपके काम बिगड़ेंगे, और अगर आपके मन में ये चीज़ नहीं है तो आपके हर काम बनेंगे। विश्वास रखो, भगवान का नाम जपो, अपना कर्म करो और डरो नहीं। डराने वाला कोई भी आए उससे बच के चलो। गुरुदेव, विहंगम योग क्या है? देखिए योग तो एक ही है, जिससे हमारा वियोग हुआ है उससे जुड़ने का नाम योग है। हम किससे बिछड़े हुए? अपनी खुशी से, अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने चैन से। उसे पा लेने का नाम ही योग है। अब उसके बाद लोगों ने नाम रख रखे हैं अलग अलग। मैं अमेरिका में, क्योंकि हम लोगों के सेंटर वहां भी हैं, यहाँ प्रवीण तो आई भी है शिकागो से, बैठी भी है सामने, तो वहां मैंने देखा है कि जिनको कुछ पता नहीं वो योग सिखा रहे हैं, वहां ध्यान सिखा रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं।
तो आपने पूछा है, क्योंकि नाम अलग अलग दिए गए, आजकल तो मून मेडिटेशन है, सन मेडिटेशन है, और न जाने कितने कितने नाम दे रखे हैं लोगों ने, रोज नया नया नाम दे देते हैं। तो विहंगम योग क्या है? विहंगम दृष्टि समझना पहले। तो विहंगम दृष्टि होती है पक्षी जब ऊपर से सब चीजों को एक साथ देखता है तो किसी एक चीज पर फोकस नहीं करता, वो सब चीजें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जब साक्षी भाव से एक साथ सारे लोग बैठे हुए हैं, एक साथ सबको देखो, तो आप किसी से अटैच नहीं होंगे, ना डिटैचमेंट होगी ना अटैचमेंट होगी। तब होती है जब आप किसी एक को खास देखते हैं, बड़ा खराब आदमी बैठा हो मेरे पास, ये नहीं बैठना चाहिए था, बैठना ही नहीं आता, बात ही नहीं करनी आती, दूसरे का ध्यान ही नहीं रखता, तो आप ये डिटैचमेंट चल रही है और साथ साथ में उससे दूर हटना चाहते हैं आप, और किसी के साथ बैठकर अच्छा आदमी है, जब हम लोग बैठे तो हम दोनों ही बैठे यहाँ और दूसरा नहीं बैठे, तो एक लगाव शुरू हो गया, किसी से नफरत किसी से लगाव। लेकिन जब आप सबको एक जैसा देख रहे हैं तो एक जैसा देखने का मतलब है कि फिर आपका लगाव नहीं है, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। ध्यान में एक विधि चलती है, विचार आएंगे आपके मस्तिष्क में, अच्छे विचार बुरे विचार, सुख के विचार दुख के विचार, सबको साक्षी भाव से देखें, एक दृष्टि से देख रहे हैं, आपको किसी को भगाना और किसी को लाना ऐसा नहीं करना, हट जाओ ऐसे करोगे तो वो और अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा। विचार आ रहे हैं देखते जाओ, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ देखो, साक्षी भाव से देखो, जैसे पक्षी ऊपर से सब चीजों को देख रहे हैं आप भी देखो। देखने के बाद अपना मन उसमें तल्लीन नहीं करो, भूल जाओ, तो थोड़ी देर के बाद वो सारे विचार गायब होने लग जाएंगे। तो इसको साक्षी भाव भी कहते हैं, इसको विहंगम दृष्टि भी कहते हैं, इसको विहंगम योग भी कहते हैं। फिर उसकी तीन मुख्य क्रियाएं हैं, वो मुफ्त में नहीं सिखाऊंगा, मुफ्त से मतलब है कि जब आप लोग ये ध्यान कर लोगे तो फिर उसके बाद उस विधि पर भी आओगे। हाँ, एक चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है, वो आप सीख लें। जैसे दोपहर में आप झपकी लेते हैं ना, भोजन किया, आराम कुर्सी पर बैठे बैठे आंखें बंद की और झपकी ली, ऐसे ध्यान की झपकी लिया करो, दिमाग को ढीला किया, माथे को ढीला किया, शांत हो गए और एक ही भाव में आए, उसी समय वैसे ही मौन में, गहन मौन में उतरो और शांत होते जाओ, शांत होते जाओ, शांत शांत शांत, 10 मिनट ऐसे बैठे रहो। जापानी लोग इस चीज को बहुत करते हैं, वहां का तो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही भी बीच में 10 मिनट का गैप लेकर के, हवाई अड्डे के ऊपर जो कस्टम अधिकारी हैं वो बीच में से जगह निकालेंगे, 10 मिनट का टाइम अपने कुलीग को दे करके और बस 10 मिनट के लिए बैठ के आएंगे, तरोताजा होकर के आएंगे, मस्तिष्क में शांति ले आए, उसके बाद फिर सजग होकर काम करने लगे। तो ये विधि आपको आनी चाहिए, लेकिन विहंगम योग जो है वो आपको बताया साक्षी भाव वाला ही रूप है। गुरुजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि ये परम पिता परमात्मा का क्या रहस्य है कि न तो गर्भ में प्राण आते हुए दिखते हैं, न शरीर से प्राण जाते हुए दिखते हैं, ये परम पिता परमात्मा का क्या रहस्य है? सेकंड, माता शबरी की वो कौन सी साधना तपस्या थी कि नवदा भक्ति श्री राम से सुनने के बाद वो देह के साथ विलुप्त तो हो गई? और थर्ड मेरा क्वेश्चन है कि क्या सूक्ष्म शरीर का स्वरूप स्थूल स्वरूप की तरह ही होता है? देखिए, नवदा भक्ति की बात भी करी आपने, सूक्ष्म शरीर की बात भी की, प्राण आते हुए नहीं दिखाई देते, जाते हुए नहीं दिखाई देते, आत्मा कहाँ चली जाती है, ये सारी चीजें आपको महसूस होती। लेकिन एक बात जरूर देखना कि जो बोल रहा था, जो देख रहा था, जो महसूस कर रहा था, उसके जाने के बाद शरीर वैसे पड़ा रह जाता है, तो वो तत्व क्या है, उसी को आत्म तत्व कहा जाता है। वो एक चैतन्य है, छोटी सी चिंगारी की तरह है, जो शरीर के अंदर
काम करती है पूरे शरीर में फैलकर, वो आत्म तत्व उसे निकलने के लिए कोई दीवार भी काम नहीं करती, वो आंखों से निकल जाए, चमड़ी के आर पार हो जाए, इतनी सूक्ष्म होती है। दूसरी बात है कि सूक्ष्म शरीर जो आपका होता है वो 17 तत्वों का बना हुआ होता है। सूक्ष्म शरीर भी आपका इसी तरह से होता है कि इस शरीर से अपने डॉक्टर रेमंड मूडी की लाइफ आफ्टर डेथ किताब पढ़ी हो या पढ़ना आप, और उसके जो है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में उसने बहुत सारे अपने इंटरव्यू जो लोग मर गए जिंदा हो गए उनका के साथ बातचीत उसको भी प्रकाशित किया था, तो उसने कुछ चीज़ें अलग तरह से, क्योंकि उसका कहना था 1000 लोगों पर एक चीज़ एक जैसी घटी हो उसको देखकर सिद्धांत बनाया जा सकता है, तो कुछ चीज़ें उसने प्रूफ करने की कोशिश की। सार में मैं ये कहूँगा शरीर से प्राण निकलते हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो ऐसा ही होता है, छोटा होता जाता है, बिंदु होता जाता है ऊपर जाकर और विलीन हो जाता है। उसने ये दर्शाया कि बहुत लोगों ने कहा कि बल्ब के अंदर से कि मैं आर पार हो गया हूँ मरने के बाद, दोबारा जो जिंदा हुआ उसके बाद उसने कहा कि मुझे लगा मेरे अंदर से एक शरीर निकल रहा है इतना हल्का, मैं बिंदु की तरह होता जा रहा हूँ, बल्ब के आर पार हो गया, अपनी छत के आर पार हो गया, आसमान में चला गया हूँ, बादलों में चला गया हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, कोई मोहक चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और फिर उसने झटका दिया, फिर दोबारा मैं आ गया हूँ अपने शरीर में, अपने रोते हुए परिवार को देख रहा हूँ और फिर आंखें खुल गई। ऐसे सूक्ष्म शरीर होता है, इतना ही समझना है अभी तो। और फिर जो आखिरी बात, नवदा भक्ति वाले राम जी से उनके दर्शन होने के बाद जब आपको स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो फिर इस देह का औचित्य महसूस नहीं होता। भक्त जो पूरा जीवन इसी में लगा दिया, बुढ़ापे तक पहुंच गए शबरी, और उसके बाद उसने उसी स्थिति में अपने प्राण त्यागे, उसका शरीर छूट गया, उसने कहा आज मैंने वो पा लिया जिसे पाने के लिए देह धारण की थी, तो उस स्थिति में वो सदेह नहीं गई, आत्मा ही जाती है। बाकी कविता में और कहानियों में जैसे वर्णन किए जाते हैं वो बहुत बड़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं, बस ऐसे समझ लीजिए राम जी के दर्शन हुए, कृपा प्राप्त हुई। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, कि हर व्यक्ति, हर संत, महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी, साधक जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी चाहते हैं कि हमें मरने के उपरांत मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं मांगते कि अगला जन्म फिर से मनुष्य का मिले, परमात्मा का भजन गाएं, कीर्तन करें, परमात्मा के गरीब और असहाय बंदों की सेवा करें, सहायता करें? और मैं तो ये चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ तक संभव है, कि अगले जन्म में आप भी फिर मनुष्य रूप में, गुरु रूप में और मैं आपके शिष्य रूप में जन्म लूँ, क्या ऐसा संभव है? क्या मोक्ष मांगना कायरता नहीं? क्या इंसान का जन्म लेकर कर्म करना बहादुरी नहीं? मेरा यही प्रश्न। मोक्ष पाना कुछ और चीज नहीं है। हर आदमी दुख से बचना चाहता है, हर आदमी सुखी होना चाहता है, हर आदमी आनंदित होना चाहता है, हर आदमी सुरक्षित होना चाहता है, हर आदमी सुविधा चाहता है, हर आदमी निर्भय होना चाहता है, हर आदमी टिके रहना चाहता है कि मैं हमेशा रहूं। यही मूल व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, और इसी को पाने के लिए मोक्ष यही है, मुक्त हो जाना दुखों से, समस्याओं से। इसी तरह की एक अवस्था होती है मुक्त अवस्था में जीना, विदेह अवस्था में जीना, मुक्त आत्मा की तरह जीना, मस्त होकर के जीना, आनंदित होकर जीना। वो जो अवस्था जिस दिन आपको आ जाए तो उसे कहा जाता है कि आप देह में रहकर भी देह से रहित हैं, विदेह अवस्था में रहना। और जो इन्होंने देवराज कटारिया ने बात कही उसको हम दूसरी तरह से लेते हैं। व्यास ऋषि ने जैसे वर्णन किया, न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवान मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए राज्य, नहीं कोई पद, एक इच्छा है फिर आऊं इस धरती पर
और दुखी लोगों का दर्द मिटाने की ताकत मांगता हूँ कि मुझसे हो सके किसी को अगर मैं हंसा सकता हूँ तो मैं हंसाऊँ, किसी को रुलाऊ नहीं। ये कामना बहुत अच्छी कामना है। और टैगोर ने भी इसी तरह कहा था कि एक जिंदगी कम पड़ गई तेरे धन्यवाद करते हुए, तेरे गीत फिर से गाने के लिए धरती पर आना चाहता हूँ। ये एक अच्छी भावना है, लेकिन फिर भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है दुखों के पार जाने की, सुखी होने की, आनंदित होने की। तो आप उस राह पर लग रहे हैं, चल रहे हैं, वो तो आपकी मूलभूत आवश्यकता है। मुक्ति कोई अलग तरह की चीज़ नहीं है, दुखों के पार जाना, आनंदित होना, और वही आपका लक्ष्य है। क्या खोज रहे हैं आप दुनिया में? आपकी आंखें क्या तलाश रही हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? बस यही है वो। इसको आप ईश्वर नाम दो, मुक्ति नाम दो, मोक्ष नाम दो, कुछ भी नाम दो, आप वही पाना चाह रहे हैं। इसलिए नाम बदल गए हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्य वही है। तो भगवान करे वो लक्ष्य आपका पूरा हो। आप सबको बहुत